पहाड़ों के बदले मिजाज के। जी हाँ, मौसम बदल चुका है पहाड़ों पर, क्योंकि हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी जारी है। अटल टनल रोहतांग दर्रे में ताजा बर्फबारी हुई है। टनल के दोनों छोर पर बर्फ की मोटी परत इकट्ठा हुई है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए जरा किस तरीके से मनाली में भी बर्फ की चादर से सड़कें ढक चुकी है। चंबा और लाहौल स्पीति की बात करें तो यहाँ भी लगातार बर्फबारी हो रही है। तो पहाड़ों पर पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी शुरू हुई है। जो सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे थे घूमने के लिए, उनके चेहरे खिल गए हैं। और इन्हीं पहाड़ों पर जो व्यापारी रहते हैं, वो उन्हें भी इंतजार था इस तरह की बर्फबारी का। तो देखिए किस तरह से माहौल इस वक्त हिमाचल में नजर आ रहा है। हिमाचल के चंबा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। दूर दूर तक देखिए, आपकी नजर जहां तक जाएगी पेड़ भी आपको यहां जमे हुए नजर आ जाएंगे और पेड़ पर भी आपको बर्फ जमी हुई नजर आएगी। और ये रोहतांग की तस्वीर देखिए जरा किस तरीके से पहाड़ पूरी तरह से ढक चुके हैं। आपको लगेगा ये बर्फ का पहाड़ ही है मानो, लेकिन ये पूरे घर देखिए, घर की छत किस तरीके से बर्फ से ढक चुकी है। आज जो जाने का रास्ता है वो किस तरीके से ढक चुका है। अब ये मनाली की तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ बर्फबारी हो रही है। लोग सैलानी दरअसल पहाड़ों पर पहुंचते ही हैं बर्फबारी देखने के लिए, तो उनके चेहरे खिले खिले नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पहाड़ों का सूखा जो है वो अब खत्म हुआ, क्योंकि बर्फबारी पिछले कुछ दिनों से जारी है। जो सैलानी पहुंच रहे हैं वो काफी खुश है, व्यापारी जो है वो काफी खुश है, और जो वहां से तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी सुकून देने वाली। वहीं हिमाचल से खबर यह भी है कि हिमाचल के लिए आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश और बर्फबारी का यह दौर जो है वो जारी रह सकता है। अगले 3 दिन तक मौसम खराब रहने के आसार भी जताए गए हैं। मौसम विभाग की तरफ से देखिए ये ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। अगले 3 दिन तक चेतावनी जारी की गई है कि मौसम खराब रह सकता है। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह भी दी है। लाहौल स्पीति की किन्नौरा चंबा मनाली लगातार बर्फबारी हो रही है, इससे प्रदेश में ठिठुरन काफी बढ़ गई है। इस साल सर्दी के सीजन में हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बता रही हैं कि किस तरीके से कुछ लोग बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं मुश्किलें भी लोगों के लिए बढ़ गई हैं। हालांकि सैलानी जो पहुँच रहे हैं पहाड़ों पर वो काफ़ी खुश हैं, और उनके पहुँचने से क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है तो व्यापारी भी काफ़ी खुश हैं। और चलिए बात जम्मू कश्मीर की कर लें। यहाँ पर भी तस्वीर जो आप देखेंगे वो काफी खूबसूरत नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से घाटी पूरी तरह से गुलजार है। गुलमर्ग में लगातार 5वें दिन बर्फबारी जो है वो जारी है। बर्फ की मोटी चादर से बालटाल बेस कैंप जो है वो ढका हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए कितनी खूबसूरत वादियां जो है वो नजर आ रही है। लंबे समय के बाद प्रकृति ने गुलमर्ग पर फिर से मानो मेहरबान हुई है। बर्फबारी से घाटी के पर्यटन स्थल गुलजार हो उठे हैं। चारों ओर बर्फ की चादर आपको देखिए बिछी हुई नजर आएगी। और कश्मीर को कहते ना अगर धरती का स्वर्ग कहीं है तो कश्मीर है। और देखिए वाकई में इन तस्वीरों को अगर आप एरियल व्यू देखेंगे, और जो अभी भी तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से घाटी पूरी खूबसूरत नजर आएगी। और दूर दूर तक घाटी में आपकी नजर जहां तक जाएगी ना, पहाड़ इसी तरीके से बर्फ की मोटी चादर में ढके हुए नजर आएंगे। अब चलिए गुलमर्ग की तस्वीर देखिए। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आई है। घर के बाहर जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं पूरी तरह से ढक चुकी हैं, और घर की छतों को भी अगर आप देखेंगे, जो पेड़ पौधे वहां मौजूद हैं उनको देखेंगे तो बर्फ किस तरीके से वहां पेड़ों पर भी आपको नजर आएगी। ये देखिए बर्फ की मोटी चादर आपको नजर आएगी। सड़क दूर दूर तक आपको कहीं नजर नहीं आएगी, लेकिन लोग जो यहाँ पहुंच रहे हैं इसी बर्फबारी को देखने के लिए वो काफी खुश बताए जा रहे हैं, और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि जम्मू कश्मीर लोग बर्फबारी देखने ही जाते हैं। तो कई दिनों से बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से जब ये बर्फबारी शुरू हुई है तो सैलानियों का पहुंचने का सिलसिला भी बढ़ गया है। तो लगातार जम्मू कश्मीर से तस्वीरें जो सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लोग किस तरीके से
बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं वो भी देखिए जरा ये नॉर्थ कश्मीर गुरेज सेक्टर की तस्वीर देखिए, यहाँ बर्फ पर ही लोग क्रिकेट खेलते हुए आपको नजर आ जाएंगे। और दरअसल इसी तरह बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए लुत्फ उठाने के लिए मजा लेने के लिए जो सैलानी है वो मैदानी इलाकों से पहाड़ों का रुख करते हैं और पहाड़ों पर जो लोग मौजूद रहते हैं उन्हें इंतजार होता है इन्हीं सैलानियों का क्योंकि उनका व्यापार जो है उसे बढ़ावा इन्हीं सैलानियों की वजह से मिलता है। तो देखिए किस तरीके से क्रिकेट का लुत्फ उठाते हैं यहाँ आपको कुछ लोग नजर आएंगे। चाहिए बशीर आए पुराने बैट्समैन उठाया है ये गेंद एक और करण चुका और ये टूर्नामेंट अच्छा हो एक गेंद निकली है और दो रन के लिए गेंदबाजी दूसरी गेंद फिरोज के हाथ में ये गेंद।